Hello, good morning everyone. So now after completion of chapter 1st, today we will start a new chapter, chapter 2, solutions. Then we see in our daily life a many of solutions like a salt plus water, lemon juice, clear, chai, everything is in solutions. So here, what is solution? So we generally explain that three types generally solutions, suspensions, and a colloidal solution. So true solutions. Then this for 9th class में पढ़ा हुआ true solutions क्या होते हैं? So solution that mixture contain two or more pure substances. मतलब solutions when mixture में जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं pure substances combined. Clear? Like इस example में pure में देखें तो bronze, copper plus zinc, bronze, copper plus stainless. In toothpaste. जरे देखिए टूथपेस्ट में क्या होता है फ्लोरीन आयन कंबाइन विद वाटर. सो व्हाट द रोल ऑफ सॉल्यूशन. सी दी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन ज्यादा होने या कम होने क्या इफेक्ट होता है देख सकते हैं आप. जैसे टूथपेस्ट में जरे देखिए तो फ्लोरीन आयन होता है जिसका रेशियो कितना होता है 1 पार्ट्स पर मिलियन. यदि इतने रेशियो में फ्लोरीन एडेड है इसमें वाटर तब वो आपकी टीथ के लिए बेनिफिट है मतलब उसका यूजफुल है. बट यदि आप थोड़ा सा भी रेशियो इंक्रीज कर दें इंक्रीज द रेशियो यदि 1 ppm से भी बढ़ गया फ्लोरीन का रेशियो 1.5 ppm दैट इज द डिस्ट्रॉय योर टूथ. वो टूथ को क्या कर सकता है डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो दैट द रोल ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस के लिस्टिंग इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि कोई भी केमिकल्स मेडिसिन से बनाने में उसका कितना फिक्स्ड रेशियो रिक्वायर्ड होता है. यदि उससे ज्यादा करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा कम करेंगे तो. जब भी आप लोग देखा ना इंजेक्शन जो बनाया जाता है उनका फिक्स रेशियो दे रहता है दैट इंटरवीनस इंजेक्शन. तो जो केमिकल्स बनाते हैं वाटर के साथ रिलेटेड वो फिक्स ले रहे हैं उससे ज्यादा एक कम पर बॉडी के लिए क्या हो सकता है हार्म कर सकते हैं. सो दैट द रोल ऑफ आवर ब्लड फार्म इज आल्सो अ सॉल्यूशन. ब्लड फार्म में भी देखेंगे आप हीमोग्लोबिन वगैरह सब ये आदि चीज क्या होती है इंक्लूडेड होती है. सो सॉल्यूशन दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग टू आर मोर सब्सटेंस. सो नेक्स्ट वन टॉपिक इज बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी से टू क्लियर. So binary solutions, this is the solution which contain only two components. Only two components. Generally solutions have solutions किससे बना होते हैं? That is made up by solute plus solvent. Solute, do you know that the ratio is less? जिनका amount generally क्या होता है? कम होता है. ये solute होता है. जिसमें dissolve होने वाले होते हैं क्या होते हैं? Solvent. So देखिए binary solutions means that have only two components. So one solvent and one solvents. Like example, salt water. So sodium chloride is solute and water is a solvent. यहाँ पे क्या है? One solvent है, one solvent. इसको बोलते हैं binary. क्या बोलेंगे? Binary. यदि two से ज़्यादा होगा तो tertiary, three से quaternary यानी इस तरह से ratio. Another lemon juice that one solute lemon, one solvent water. That is also binary. Next इतने salt suppose आप salt लिए, sugar लिए, water लिए. यहाँ पे देखिए थ्री हो साल्ट भी है प्लस शुगर भी है एंड वाटर भी है. सो दैट इज टर्शियरी. सो दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. जितने ज्यादा कंपोनेंट्स के नंबर इंक्रीज होंगे क्लियर वो उसी टाइप का उसका नेम है. बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशंस. आप इस चैप्टर में सिर्फ हम क्या पढ़ने हैं बाइनरी सॉल्यूशन. सो वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्ट. सो नेक्स्ट का टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सो जनरली वी नो इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होमोजेनस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनस. सो होमो मीन टू से सेम मीन टू से दैट टू कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स टू ईच. लाइक इस एग्जांपल ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज में देखेंगे कि इसके बारे में मेटल में मॉडर्न स्टेट है कॉपर प्लस स्टेनर दोनों कंप्लीटली मिक्स होते हैं. सो इस तरह के सॉल्यूशंस किसमें आएंगे होमोजेनस. लाइक इस एयर. एयर को हम देखें इसमें भी क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंप्लीटली यूनिफॉर्म मिक्स होते हैं हम अलग से उसको सेपरेट नहीं कर पाते. बट यदि डस्ट की बात करें तो डस्ट एयर में क्या हो जाते हैं कंप्लीटली मिक्स नहीं होते. सो दैट इज व्हिच टाइप ऑफ हेटेरोजेनस. सो लाइक साल्ट प्लस वाटर दैट इज होमोजेनस. ऑयल प्लस पेट्रोल होमोजेनस. एयर दैट इज आल्सो होमोजेनस. नेक्स्ट वन इज हेटेरोजेनस सॉल्यूशन. सो हेटेरोजेनस मीन टू से दैट प्रॉपर्टीज आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड उसी पे दूसरे ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. जैसे आप जनरली चाय वगैरह से देख रहे हो उसमें भी क्या होते हैं कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा जो भी उसके पत्ते वगैरह रहते हैं बच जाते हैं तो आप बोल सकते हैं दैट इज ओनली मिक्सचर. सो विच टाइप ऑफ मिक्सचर हेटेरोजेनस. क्लियर.
like sand plus water, that not mix to each, water plus oil, garbage water, that are the heterogeneous solutions. Clear? So our next topic, that types of solutions generally studied two types, homogeneous and heterogeneous. But next, types of solution on the basis of their phase matlab uski state ke basis mein hum usko aur bhi explain kar sakte hain. First hai gaseous solutions means solvent is a gas, liquid solution means solid solvent. So yahan pe gas dissolved in gas, example oxygen combined with nitrogen. So oxygen is a solid, nitrogen is a solvent. Another liquid dissolving gas. So generally chloroform combined with nitrogen. So nitrogen is gas, chloroform is liquid. Solid camphor distributed in nitrogen. So in camphor ke powder ko nitrogen ke sath combine kare to bhi kya ho jata hai, usme completely mix ho jata hai. So that is solid dissolving gas. Another liquid solutions means to say that solvent is a liquid. Yes, so common example in liquid water. So generally we see gas dissolving liquid. So आपको देखेंगे कि oxygen is generally distributed in liquid. जो भी aquatic life होते हैं वो oxygen कहाँ से intake करते हैं? That from the water. Liquid combined with liquid, तो many liquids are combined with ethanol, acetic acid, they are easily combined with water. Solid combined with liquid, any example sugar, salt, glucose, other combined with water. Solid is in solvent form. It is solid solvent form. So first example is gas in solid. So that I have only one example. Hydrogen gas combined with palladium. Hydrogen gas ye aisa hai ki palladium ke surface easily distributed ho jata. Baaki other ke sath reaction nahi hai. So that one example gas combined with solid. So hydrogen combined with palladium and nickel dono mein uske surface mein distributed ho. Baaki other mein aisi property नहीं. सो लिक्विड इन सॉलिड. सो लिक्विड में अगर देखें मरकरी इज अ मेटल दैट इज इन एग्जिस्टिंग लिक्विड फॉर्म दैट कंबाइन विद सोडियम. सो दैट इज कॉल्ड अमलगम. ठीक है, अमलगम ऑफ सोडियम. सॉलिड इन सॉलिड मेन एग्जांपल जितनी भी रोज है सब क्या है, सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल्स हैं. सो कॉपर कंबाइन विद स्टेनलेस. क्लियर? सो राइट नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट. So here, next short topic is expressing concentration of solution. Generally, we studying that dilute solution and concentrated solution. So how we can calculate the concentration? कोई dilute है या concentrated है? उसको हम लोग identify कर सकते हैं based करते हैं on the basis of solute के basis पे. So हम कैसे सकते concentrations निकाल सकते हैं? So concentration identify करने के यहाँ पे several क्या होते हैं? Qualitative properties होते हैं. तो फर्स्ट मास परसेंटेज यहाँ पे वेट अपॉन वेट, मतलब सॉल्यूट भी वेट में लेना है, सॉल्वेंट को भी वेट में लेना है. वॉल्यूम परसेंटेज, सो वॉल्यूम जनरली यूज फॉर लिक्विड. सो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड. मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम से सॉल्यूट इन मास एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड. नेक्स्ट होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm. मोल फ्रैक्शन से भी हम निकाल सकते हैं, मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड मोलारिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम. सो दैट पॉइंट्स, ये पॉइंट से क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. यदि आपको इस एग्जाम में आते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन उसके बेस पे निकाल सकते हैं 7 पॉइंट्स के बेस पे कौन कितना कंसंट्रेटेड है, कितना डाइल्यूट है. सो आवर एक्सप्रेशन फर्स्ट स्टार्ट मास परसेंटेज. Mass percentage means to say when any solid distributed in any solvent on a gram. यदि कोई substance gram में distributed है इसमें किसी solvent. So mass percentage means mass of component in the solution upon total mass of solution into 100. So mass of component जिसका निकालना है. जैसे यहाँ question देखते हैं, calculate the concentration by mass. 20 ग्राम, ये फोकस करना किस में होना चाहिए, ग्राम. ठीक है, कैलकुलेट ग्लूकोज, कितने
ग्लूकोज यहाँ पर 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 60 ग्राम, ये भी किसमें है ग्राम। सो जब दोनों कंपोनेंट्स ग्राम में हो तो वहां क्या निकालना आपको मास परसेंटेज निकालना, ये दोनों लिक्विड में हो तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, पहला वाला ग्राम में दूसरा वाला लिक्विड में हो तो मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना। सो यहाँ पर 20 ग्राम एंड 60 ग्राम, सो योर फार्मूला इज मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमको परसेंटेज किससे निकालना होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या है 20, सो योर फार्मूला इज मास परसेंटेज इज इक्वल टू 20 किसके लिए, दैट इज फॉर ग्लूकोज, एंड अदर इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सो टोटल मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सो 20 प्लस 60 दैट इज क्लियर। 20 इसके लिए परसेंटेज निकाल रहे हैं सॉल्यूट के लिए, दैट 20 एंड 10 प्लस 20 प्लस 60 इनटू 100, सो 20 अपॉन 80 इनटू 100 क्लियर। सो लंजा होल इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 that 25% what that 25% is clear, so here we can say that 25% glucose in water, क्या बोल सकते हैं 25% क्योंकि सो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सो 25% ग्लूकोज किस में हो गया वहाँ पे वाटर में, मतलब वाटर में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना परसेंटेज है 25% क्लियर। सो वन क्वेश्चन आई विल गिव यू देन यू कैन सॉल्व। सो नेक्स्ट टॉपिक इन दिस कॉन्सेंट्रेशन वाटर परसेंटेज, एज भी देख रहे हैं उसमें क्या नहीं रहता है वेट, इसमें क्या लेना आपको वॉल्यूम लेना ethanol. So first you select the solute and the solvent. So solute कौन सा solvent कौन सा, जल्दी आपको पता है कौन किसमें distributed। So यहाँ पे ethylene glycol dissolved है। When you say ethylene glycol dissolved है किसमें? Ethanol. So ethylene glycol is a solute and ethanol is a solvent. So your percentage is volume percentage is equal to volume of component of solute. So solute that is in MA 35 clear. So here another that dissolving 105 ml. So 35 solute plus solvent 105 into 100. So here we can write 35 plus 140 into 100 clear. So, 15 upon 40, then we can calculate
freeze AC. एसिड वाइज आपको कार में यूज किया जाता है बिकॉज दैट इज एंटी फ्रीजिंग. मीन टू सी ये इंजन के जो लिक्विड होते हैं उसको जमने नहीं देता, जिससे पावर स्टार्ट करने में ईजी होता है. जरा जहाँ ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होते हैं कम टेम्परेचर पर क्या इंजन जो है वहाँ पे क्या होने लगते हैं हार्ड होने लगते हैं. मीन टू से मेल्ट क्या उसको फ्रीज होने लगते हैं. तो एसिड वाइज आप क्या करते हैं उसको फ्रीज होने नहीं देता, जिससे कार स्टार्ट करने में ईजी होता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज मास वॉल्यूम इनटू से बेट अपॉन वॉल्यूम. दैट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. हियर वन एग्जांपल कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन 20 ग्राम ऑफ शुगर दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. इस तरह से कॉमन फैक्टर्स ऑफ प्रोटीन की हमने से यहां लिख दिए एम बी परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इज 20 1 लीटर. सो जनरली वॉल्यूम्स किस में लेते हैं हम लोग एमएल. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 प्लस 20 टू 100. क्लियर. सो हियर 110 सो 20 अपॉन 30 सो वी कैन राइट दैट 0.66%. Yeah, so that is the concentration of this solution. Clear? So here next is parts per million. Parts per million that is generally used in pharmacy. So chemicals बनाने के लिए इनका contents compulsory. So ppm. So number of parts of component. Number of parts of component and the total number of parts of solutions into millions is 10 lakh. So 10 lakh divided by 10 to the power 6. So here one question calculate the concentration with sea water. The question is what is sea water? Are you familiar with sea water? Salt water, salt water, salt water, oxygen water, sea water. That is also solutions, not a solvent. Solvent means you have direct solutions. Solutions of it is not here. 10-30. Clear? देखिए सॉल्वेंट दे दे तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट को ऐड कर दो, बट यहाँ आपको सिर्फ सॉल्यूशन 10-30 सॉल्यूशन है. इन विच कंटेन कोई सॉल्यूशन है जिसमें कंटेन क्या है. सो 6×10³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब इतने में कितने पार्ट्स ऑक्सीजन इंक्लूड है 6×10³ ग्राम. तो आपको इन दोनों वाला से ऐड करने की जरूरत नहीं. दैट इज द सॉल्यूट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट एंड दैट इज द टोटल पार्ट ऑफ solutions. Here, so solution to the value solution is 10-30. फिर से देखिए एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको इन दोनों को ऐड नहीं करना है. यानी कि पहले से solution को फॉर्म में दिया हुआ है. That is a part of solute 6×10³ × 10⁶. So 10⁻³, 10⁶. दोनों को multiply क्या बचेगा 10⁻³. So that 6 से divided by 1030. So we can write from this form इसको में लिख सकते हैं 1000. So 6×1000 × 1030 that's 5.8 parts per million. मैं इसे 5.8 parts per million. 1 million इतने parts oxygen के क्या distribute किए. So I give you some homework for these 4 points. You will complete and send me group. Okay, thank you. बाकी के topics कल explain करें. So here some homework for you. That first question is calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था सॉल्यूट का निकालना, कितनी बार आपको दोनों को निकालना. बेंजीन का अलग से कैलकुलेट करना परसेंटेज और CCl को अलग से परसेंटेज कैलकुलेट करना. इन दोनों को ऐड करने कितना बनेगा सॉल्यूशन. सेकंड क्वेश्चन इज दी यहां पे क्या निकालना आपको कंसंट्रेशन 1.5 ml कंटेनिंग 30 ml जिसमें वॉल्यूम परसेंटेज मिलेगा. थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्या है 15 ग्राम NSE इन इंक्लूडेड इन 60 ml सॉल्यूशन. पहले से सॉल्यूशन से लिया है तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से सॉल्वेंट दिया नहीं है तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से लिया. क्लियर. नेक्स्ट वैल्यू में क्या है आपको पार्ट्स पर मिलियन. सो कंप्लीट दिस एंड सेंड मी ग्रुप. ओके थैंक यू.